हेलो दोस्तों, आज लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका संबंध कल्पेबल होमिसाइड से है। और ये जो प्रावधान है कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड, वो है चैप्टर 16 में इंडियन पेनल कोड का, और ये पार्ट फर्स्ट है। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक, चाहे वो इंडियन पैनल कोड का हो, चाहे वो सीआरपीसी का हो, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट का हो, कोई भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर है कल्पेबल होमिसाइड पे बेसिकली। तो सबसे पहले इस लेक्चर पे आने से पहले ये समझिए कि कल्पेबल होमिसाइड के में जो शब्द होमिसाइड है उसका क्या मतलब होता है। देखिए, होमिसाइड का मतलब होता है, का मतलब होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग बाई ह्यूमन बींग। कहने का मतलब मानव का डेथ काउज करना मानव के द्वारा, ठीक है। तो होमिसाइड अकॉर्डिंग टू दी लीगलिटी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, लॉफुल होमिसाइड, और दूसरा होता है अनलॉफुल होमिसाइड। तो लॉफुल होमिसाइड जो है उसका जिक्र आपको चैप्टर 4 में इंडियन पेनल कोड का मिल जाएगा। और इसके लिए हम लोग को देखते हैं सेक्शन इंडियन पेनल कोड का 88, 89, 76, 79, और भी बहुत सारे प्रावधान है चैप्टर 4 में जो जिक्र, जिसका संबंध लॉफुल होमिसाइड से है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति डेथ काउज करता है किसी दूसरे व्यक्ति का, ठीक है, तो वो अनलॉफुल नहीं माना जाएगा, वो क्राइम नहीं माना जाता है, क्लियर। वहीं जब दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं अनलॉफुल होमिसाइड का, तो इसके अंतर्गत मर्डर, और मर्डर का जो प्रावधान है इंडियन पेनल कोड में वो है सेक्शन 300 और 302। 300 में डिफाइन किया गया मर्डर को और 302 में उसका पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड दूसरा, इसका जो उसको जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 299 में, और इसका पनिशमेंट 304 में है। और भी रिलेटेड प्रोविजन है इंडियन पेनल कोड कोड में चैप्टर 16 में कल्पेबल होमिसाइड से। तीसरा, काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, लापरवाही के कारण अगर मौत हो जाए तो वो भी अनलॉफुल माना जाता है। और इसका जो प्रावधान है वो सेक्शन 304A, ठीक है। उसके बाद डाउरी डेथ है, डाउरी डेथ का जो प्रोविजन है, दहेज की जो हत्या होता है वो भी एक क्राइम है, अनलॉफुल होमिसाइड है, और वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 304B। उसके बाद सुसाइड आता है, सुसाइड भी अनलॉफुल होमिसाइड है, वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 305। यहाँ पे अबेटमेंट हो रहा है सुसाइड का, इंसेंट या माइनर का, ठीक है, और यहाँ अबेटमेंट हो रहा है मेजर का, ठीक है। तो यहां पे सेक्शन 309 को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि यहां अटेम्प्ट हो रहा है, वहां पे डेथ काउज नहीं हो रहा है ह्यूमन बींग का, इसलिए 309 यहां पे इंक्लूड नहीं हुआ है, क्लियर। तो चलिए, आज का जो 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 लेक्चर का जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यह है कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग कल्पेबल होमिसाइड को समझने के लिए वो ये समझना होगा कि कल्पेबल होमिसाइड होने के लिए ऐसा कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जिसको फुलफिल करना आवश्यक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो है, ये है कल्पेबल होमिसाइड के लिए कि काउजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बींग। सबसे पहला जो पॉइंट है क्या कहता है कि किसी भी ह्यूमन बींग का डेथ होना आवश्यक है, ठीक है, किसी भी मानव का डेथ होना आवश्यक है, पहला इंग्रेडिएंट। अब वो डेथ होगा तो कैसे होगा, तो देखिए वो डेथ कैसे होना चाहिए, कुछ कुछ एक्ट करके होना चाहिए वो डेथ, ठीक है। यहां क्या कर रहा है दूसरा पॉइंट, दूसरा इंग्रेडिएंट, कि मानव का डेथ होना आवश्यक है, ठीक है, ह्यूमन बींग का डेथ होना आवश्यक है, और डेथ होना कैसे चाहिए, तो कुछ करके, कुछ एक्ट करके होना चाहिए। अब यहां एक पॉइंट नोट कीजिए कि क्या कुछ करके ही, कुछ एक्ट करके ही किसी का डेथ काउज होता है, बिना कुछ किए डेथ काउज नहीं होता है। तो बिना कुछ किए भी डेथ काउज हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दीजिए कि एक नर्स है जिसका दायित्व है कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिकल या मेडिसिन देना, ठीक है, पेशेंट को, लेकिन वह नर्स क्या करती है, मेडिसिन पेशेंट को नहीं देती है, जिसके कारण तो यहां पे मेडिसिन नहीं दे रही है नर्स, और मेडिसिन नहीं मिलने के कारण पेशेंट का, मरीज का डेथ काउज हो रहा है। तो यहां भी, यहां जो कुछ करके नहीं, बिना कुछ किए और वो इलीगली हो रहा है, तो वो भी एक्ट के अंतर्गत ही माना जाएगा, ठीक है। और ये किस प्रावधान के अनुसार हो रहा है, जो है सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पेनल कोड। सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पेनल कोड क्या कहता है कि जो टर्म, जो शब्द एक्ट है, ऑल्सो इंक्लूड इलीगल ओमिशन। तो यहाँ पे नर्स क्या कर रही है, इलीगल ओमिशन कर रही है, क्यों कैसे, क्योंकि उसका ड्यूटी था पेशेंट को दवाई देना, अगर वो नहीं देगी तो पेशेंट मर जाएगा, और इसका नॉलेज भी है, ठीक है, मर सकता है।
तो यहां पे नर्स कुछ नहीं करके किसी व्यक्ति का देश काउंट कर रही है, क्लियर। अब तीसरा इंग्रीडियंट है क्या कि एक्ट होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए, विथ इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, मतलब वो एक्ट होना चाहिए उस इंटेंशन से कि डेथ हो जाए, ठीक है। दोस्तों इस पॉइंट में बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है, जब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस का कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मर्डर में इंटेंशन होता है डेथ काउज करने का, कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड ही विथ इंटेंशन होता है। क्योंकि जब तीसरा इंग्रीडियंस देखते हैं कि एक्ट होना चाहिए कैसे होना चाहिए, तो विथ इंटेंशन होना चाहिए डेथ काउज करने को लेकर, पहला, या उस इरादे से एक्ट होना आवश्यक होना है जिससे कि एक्ट करने वाले को यह लगता है कि उसके द्वारा किए गए एक्ट से क्या हो सकता है, डेथ काउज हो सकता है, ठीक है। यहां फिर से रिपीट कीजिए पॉइंट को कि यहां पे जो दूसरा इंग्रेडिएंट है एक्ट होने को लेके, वो किस इंटेंशन से कर रहा है डूअर एक्ट, कि उस इंटेंशन से के कि बॉडली इंजुरी हो, ठीक है। और यहां बॉडली इंजुरी का जो नेचर है क्या है कि करने वाले व्यक्ति, जो एक्ट करने वाले व्यक्ति है उसको यह लगना चाहिए कि मेरे इस एक्ट से किसी का डेथ हो सकता है। यहां शब्द क्या इस्तेमाल हो रहा है, इज लाइकली टू काउज डेथ। इस पॉइंट पे आप पूरा फोकस कीजिए कि यहां क्या कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड के केस में, कि ऐसा बॉडीली इंजुरी कि जिससे डेथ काउज हो सकता है, होगा ही नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, डेथ काउज हो सकता है ऐसे एक्ट से जिससे बॉडीली इंजुरी होगा, और उस बॉडीली इंजुरी से क्या हो सकता है, डेथ काउज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे इंटेंशन के साथ एक्ट होना आवश्यक है। तीसरा क्या कहता है पॉइंट, कि एक्ट जो हुआ है जिससे किसी ह्यूमन बींग का डेथ काउज हुआ है, ठीक है, वो उस नॉलेज के साथ होना आवश्यक है जिससे कि जिस नॉलेज जो 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 एक्ट करने वाला, दैट मीन्स जो डूअर है, जो एक्ट कर रहा है, उसका ये नॉलेज होना आवश्यक है कि मेरे इस एक्ट से क्या हो सकता है, डेथ काउज हो सकता है, होगा ही नहीं, यहां पे क्या कह रहा है, डेथ काउज हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हम लोग समझ गए हैं, एकदम नोट कीजिए, क्योंकि बाद में जब हम लोग मर्डर को पढ़ेंगे और जब दोनों के बीच अंतर को जानेंगे तब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे पूरा फोकस कीजिए कि दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, कि डूअर जो एक्ट कर रहा है वो उस इंटेंशन से कर रहा है जिस इंटेंशन से ऐसा बॉडी इंजुरी होगा जिससे कि डेथ काउज हो सकता है, लाइकली टू काउज डेथ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं लाइकली टू काउज डेथ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कल्पेबल होमिसाइड के लिए। और तीसरा पॉइंट में डूअर उस नॉलेज के साथ कर रहा है कि अगर ऐसा कोई एक्ट हम करते हैं, नॉलेज को ये डूअर को ये नॉलेज है कि अगर मेरे द्वारा ऐसा कोई एक्ट हुआ जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट एक्ट हो रहा है उसको ऐसा इंजुरी हो सकता है जिससे कि उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लीजिए, ए क्या करता है, गड्ढा खोद देता है रोड पे, और उस रोड को, उस रोड में, जिस रोड में गड्ढा खोदा उसको क्या किया, घास के कवर से कवर अप कर दिया गड्ढे को। तो यहां जो ए एक्ट कर रहा है उसको ये नॉलेज है कि हम जो ये एक्ट कर रहे हैं इससे हो सकता है कि उस गड्ढे में जो बी गिरेगा उससे बी की मृत्यु हो सकती है, होगी ही, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स है कल्पेबल होमिसाइड का वो यही है। इसमें बाकी के प्रावधान भी है कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड जिसको हम लोग कवर करेंगे पार्ट सेकंड में, क्योंकि एक ही बार में सब बात बता देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो शॉर्ट होता है। तो आगे के प्रोविजन को कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड और भी प्रोविजन जो मर्डर है इसके बीच में क्या अंतर है, ये बाकी प्रावधान हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों आज इस लेक्चर को अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मतलब मानव बद मानव के द्वारा हम लोग कहते हैं ह्यूमन होमिसाइड। होमिसाइड दो प्रकार का होता है और जो भी होमिसाइड है इंडियन पैनल कोड में उसका जो रिलेटेड प्रोविजन है वो है चैप्टर 16 में इंडियन पैनल कोड का। होमिसाइड दो प्रकार का होता है, लॉफुल अनलॉफुल। लॉफुल होमिसाइड कब होता है और अनलॉफुल होमिसाइड कब होता है, उसमें से हम लोग एक पॉइंट था कल्पेबल होमिसाइड, इसको हम लोगों ने बारीकी से देखा कि कल्पेबल होमिसाइड होने के लिए कौन कौन सा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को होना आवश्यक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये हम लोगों को जाना कि कुछ करके तो डेथ काउज होता ही है, बिना कुछ किए भी डेथ काउज होता है, और तो और हाँ दोस्तों बोल के भी डेथ काउज होता है जो एक्ट के अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।